आलू में फिलिंग के लिए हमें चाहिए पनीर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और थोड़े से कटे हुए बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। अब सबसे पहले हम पनीर को हाथ से मैश कर लेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक एंड हाफ टी स्पून गरम मसाला मिलाएंगे, साथ ही बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। अच्छे से मैश कर लेंगे। ये हमारा फिलिंग तैयार हो गई है हमारी नमक में भरने के। टमाटर को बारीक काट लेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बारीक बारीक काट इनके डाल लेंगे ग्रेवी में, या फिर इनको काट कर मिक्सी में पीस लेंगे। टमाटर कट गए हैं, अब इन्हें मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। पेस्ट तैयार हो गया है टमाटर का। ये आलू उबल गए हैं, अब हम इनको छील लेंगे। अब इन्हें चाकू की सहायता से खोखला कर लेंगे। आलू को धीमी आंच पर हल्का गुलाबी होने तक तल लेंगे। आलू हमारे पिंक हो गए हैं, लाइट ब्राउन जैसे हो गए हैं, तो अब हम इनको उतार लेंगे। ये कितना सुंदर कलर आया है इनका। ये आलू अब सब तल गए हैं, अब इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये आलू ठंडे हो चुके हैं, अब हम चम्मच के पिछले हिस्से से इसको खोखला करेंगे। ऐसे करके अंदर से उबला हुआ आलू निकाल देंगे। ध्यान से करेंगे ताकि ये फटे ना, ये खोल ऐसा का ऐसा ही बना। फिर से एक एक करके सब आलू को हम खोखला करके रखते रहेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में एक चम्मच घी डालेंगे और इसमें तीन चार छोटी इलायची डालकर लाल करेंगे। ये थोड़ी सी लाल हो गई है, अब इसमें हम प्याज अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने बना रखा है वो डालेंगे। इलायची डालने से दम आलू में खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब इस पेस्ट को हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। प्याज अदरक का पेस्ट हमारा खूब अच्छे से भून गया है, लाइट पिंक हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून हमने लाल मिर्च डाली, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून नमक डाल के खूब अच्छे से मिलाएंगे। और अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालकर 2 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे। दो मिनट भूनने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून दही डालेंगे। दही से इसमें बहुत अच्छा स्वाद आ जाएगा। अब इसको थोड़ा अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये पानी न छोड़े। देखिए प्याज टमाटर ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें
लगभग एक गिलास के करीब पानी डालेंगे। इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा पानी, तब हम इसमें अपने आलू डालेंगे। उससे पहले हमें आलू में फिलिंग भी करनी है। ठीक है, अब इनमें हम अपने पनीर की जो हमने फिलिंग बनाई है वो भरेंगे। ये अच्छे से मैश करी हुई हमारी पनीर की फिलिंग है, ये हम इसमें दम आलू का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये हमारे सब आलू में फिलिंग भर गई है अच्छे से, और हम उधर हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। देख करते हैं ग्रेवी में अब इसको 5 मिनट के लिए दम होने के लिए ढककर रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और हमारे दम आलू भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इनको एक सर्विंग डिश में पलट लेंगे। इसमें ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला, लगभग हाफ टीस्पून गरम मसाला छिड़क देंगे।